इस बीच हेमंत सोरेन की पेशी से जुड़ी एक और बड़ी खबर टीवी 9 भारतवर्ष पर। ईडी 10 दिन की रिमांड मांग सकती है हेमंत सोरेन की। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन इस वक्त कोर्ट पे ही मौजूद है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि ईडी 10 दिन की रिमांड मांग सकती है। रजनीश, बिना वक्त गवाए उनका रुख करते हैं। रजनीश, अपडेट दे जरा। बिल्कुल, ईडी ने 10 दिन का ही रिमांड मांगा है और ईडी का साफ तौर पर ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो गिरफ्तार हुए हैं, जो गवाह हैं, उन सब के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। गंभीर आपराधिक मामला है और अभी तक ईडी ने इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की है, 10 बार सम्मन दिया गया है। 20 जनवरी को भी हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई है, उससे पहले भी पूछताछ हुई है, कल भी उनसे कई सवाल पूछे गए हैं, करीब 7 घंटे की पूछताछ हुई है। पूरा जो अब तक का कोर्ट है वो कोर्ट में दिया गया है और उसके आधार पर ईडी ने कहा है, चूंकि ये मामला बहुत गंभीर है, मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, उनके आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है, तो ईडी को ज़्यादा समय चाहिए इसमें उनसे पूछताछ करने के लिए, ये मुकम्मल करने के लिए कि जो चार्जशीट बनाई जाएगी उसमें अपराध की श्रेणी क्या होगी। तो ये इस लिहाज से ईडी चाहती है कि ज़्यादा दिन का समय मिले और कम से कम 10 दिन की मांग ईडी की ओर से की गई है। हेमंत सोरेन की ओर से अभी दलील दी जा रही है, जो डिफेंस काउंसिल हैं वो दलील दे रहे हैं, ईडी अपनी दलील दे चुकी है और कभी भी कोर्ट का प्रोनाउंसमेंट जो कस्टडी के लिए है, जो रिमांड के लिए है, वो आ सकता है। कोर्ट के बाहर किस तरीके की हलचल है ये लगातार बता रहे हैं। इस बीच जितेंद्र का मैं भी रुकना चाहूंगी। जितेंद्र, ईडी इस वक्त कई ऐसे सवाल हैं जिनकी वेरिस्ट तैयार कर चुकी होगी, जिसके जवाब वो जानना चाहती है। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। जी बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की जाहिर सी बात है मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि उन्हें जवाब देना है कि आखिरकार जो उनके बंगले से रेड के दौरान अभी हाल ही में 36 लाख रुपए और BMW कार रिकवर हुई, वो पैसा कहां से आया था। इसके अलावा जो जमीन गलत तरीके से अधिग्रहण करी गई, जो सीधे तौर पर हेमंत सोरेन के और उनके परिवार के स्वामित्व में थी, वो आखिरकार किस तरीके से उन्होंने हासिल की। तो ये वो तमाम सवाल होंगे जिनका जवाब अब हेमंत सोरेन को देना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ईडी हेमंत सोरेन को 10 समन भेज चुकी थी। इन 10 समन में ये जवाब अभी तक ना तो पेश हुए और ना ही सीधे तौर पर जवाब दिया। कल भी तकरीबन 7 से 8 घंटे तक पूछताछ की गई और जब उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया इन तमाम सवालों को, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। लेकिन अब हेमंत सोरेन को इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा। जो भानु प्रताप का जो मोबाइल कॉल का जो डिटेल है या फिर उसके मोबाइल से जो भी उन जमीनों से जुड़े कागजात बरामद हुए, जो सीधे तौर पर हेमंत सोरेन की बात बता रहे जितेंद्र। इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर TV9 पर, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का आधार बता दें आपको, कई जमीनों पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा था, ये गंभीर आरोप उन पर है। मोबाइल में सोरेन की संपत्ति की जानकारी भी मिली है। तो ये ईडी के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। 8.5 एकड़ में 12 जमीन के बारे में पता चला है, कई आरोपियों ने सोरेन का नाम लिया है। ऐसे में इसीलिए कहा जा रहा है कि मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है हेमंत सोरेन के। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए ईडी ने अपना पूरा होमवर्क किया और उसके बाद ही गिरफ्तारी की है हेमंत सोरेन की। ईडी को पहले से पता था कि हेमंत सोरेन जांच से बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ईडी के पास हेमंत सोरेन के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। भानु प्रताप के मोबाइल की वो डिटेल मौजूद थी जिसमें साफ तौर पर जो अभी फिलहाल जो जितनी भी जो 8.5 एकड़ भूमि है जो सीधे तौर पर हेमंत सोरेन और उनके करीबियों के स्वामित्व में है, ये पूरी जमीन की जो डिटेल थी वो भानु प्रताप जो कि रेवेन्यू के अंदर सब इंस्पेक्टर थे उनके मोबाइल से बरामद हुई थी। तो यानी कि सीधा कनेक्शन भानु प्रताप का हेमंत सोरेन से जुड़ता हुआ दिख रहा था, ये स्पष्ट हो चुका था। पूछताछ के दौरान भानु प्रताप ने खुद कबूल किया था कि उसने जो जमीन के कागजात थे उसमें हेरफेर की, उनके मालिकाना हक को बदला और उसके बाद उन्हें सीधे तौर पर हेमंत सोरेन के स्वामित्व में लाया गया। तो ये तमाम कड़ियां जोड़ी गई और उन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए हम जल्दी से कुछ और अपडेट्स के लिए रुख करना चाहेंगे। रुपेश का, रुपेश विशेष विमान बताया जा रहा है रांची में एयरपोर्ट पर मौजूद है, अब कब क्या कैसे होगा ये बड़ा सवाल। और देखिए फिलहाल ये स्ट्रेटजी बनी है कि 5:30 बजे तक जब तक 5 विधायक राज्यपाल से मिलकर और आगे क्या वहाँ पर स्थिति होती है वो जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता है, तब तक ये हैदराबाद जाने का कार्यक्रम फिलहाल होल्ड पे रखा जाएगा। क्योंकि ये इन लोगों ने भी एक तरीके से 3 बजे का जो वक्त मांगा था पहले पत्र लिखकर, तो पहले ये सूचना आई कि 3 बजे तक इंतजार करेंगे क्योंकि 3 बजे का वक्त मांगा गया है मिलने का। लेकिन फिलहाल 5:30 बजे तक ये इंतजार करेंगे, उस वक्त तक का इंतजार करेंगे जब चंपई सोरेन राज्यपाल से मिलकर वापस नहीं आ जाते हैं। चंपई सोरेन को ऐसे में हर एक अपडेट, हर एक डेवलपमेंट पर TV9 भारतवर्ष की भी नजर बनी रहेगी। हमारे तमाम संवाददाता आप तक आगे हर पल का अपडेट पहुंचाएंगे।